तो बच्चों, जो पहला सवाल है वो है, हाउ आर इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड, मतलब जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, अब इसका मैं जवाब पढ़ती हूँ, आप लोग भी नज़र रखो फोटो पे। ठीक है, इनसाइड द अर्थ सरफेस इज प्रेजेंट हॉट फेयरी सब्सटेंस कॉल्ड मैग्मा। व्हेन दिस मैग्मा कम्स ऑन अर्थ सरफेस इट कूल्स एंड गेट सॉलिडिफाई एंड दस फॉर्म्स इग्नियस रॉक्स। द वर्ड इग्नियस रॉक इटसेल्फ सजेस्ट्स मेड फ्रॉम फायर। ठीक, ये कहता है कि जो ज़मीन होती है, ज़मीन के अंदर क्या होता है, एक आग होती है। ठीक है, एक आग मौजूद होती है, उस आग में बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, तो अब जो ये आग होती है ज़मीन के अंदर, इसको हमने मैग्मा कहा। ठीक है, जो ये मैग्मा होता है, जब ये कोई वॉल्केनो होता है, जब ये उस मतलब ये मैग्मा जब उस वॉल्केनो से बाहर आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये ठंडा होता है। ठंडा होने को ही हम सॉलिडिफाई बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है, उसके बाद ये क्या बनाता है, इग्नियस रॉक। ठीक, जो ये इग्नियस रॉक ये लफ्ज़ है, ये खुद ही हमको बोलता है कि मैं आग से बनाऊँ। ठीक है, मतलब शॉर्ट में इसका मतलब ये है कि जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो आग से बने होते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा सवाल है वो है, व्हाई इज़ फर्स्ट एड नेसेसरी, यानी कि जो फर्स्ट एड होता है जो हम एक ज़ख्मी इंसान को देते हैं, ठीक है, वो क्यों ज़रूरी है। तो इसका जो जवाब है, अब मैं वो पढ़ूंगी, आप लोग नज़र रखो। ठीक है, फर्स्ट एड इज़ एमरजेंसी केयर गिवन इमिजिएटली टू एन इंजर्ड पर्सन। द पर्पज ऑफ फर्स्ट एड इज़ टू मिनिमाइज इंजरी एंड फ्यूचर डिसेबिलिटी। इन सीरियस केसेस फर्स्ट एड मे बी नेसेसरी टू कीप द विक्टम अलाइव। द विक्टम अलाइव, ठीक। अब मतलब इसका यह है कि जो फर्स्ट एड है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो किस टाइम पे दिया जाता है, जिस टाइम पे इमरजेंसी होती है। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, मतलब इसका मकसद ये होता है कि अगर कोई बंदा जो है वो ज़ख्मी हो गया है, ठीक है, तो इसका मकसद ये होता है कि इसको उतनी ज़्यादा चोट नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, मतलब खुदा न करे कोई ज़्यादा इंजुरी, ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए जो है हम फर्स्ट एड वो देते हैं। ठीक है, अब जो तीसरा सवाल है वो है, व्हाट काजेज चेंज इन सीजन्स, कि जो सीजन्स है, सीजन्स यानी मौसम, जैसे कि मौसम खिजां है, मौसम बहार है, ये किस तरीके से आते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मुख्तलिफ मुख्तलिफ मौसम जो है ये किस तरीके से आते हैं। ठीक है, अब मैं इसका जवाब पढ़ती हूँ, अर्थ टिल्टेड एक्सिस काजेज द सीजन्स थ्रू आउट द ईयर। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ रिसीव द सन्स मोस्ट डायरेक्ट रेज, सो वैन द नॉर्थ पोल टिल्टेस्ट वर्ड्स द सन इट्स समर इन द नॉर्दर्न हेमिसफियर, एंड वैन द साउदर्न पोल टिल्टेस्ट वर्ड इज द सन इट्स विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिसफियर। ठीक, अब मैं इसका मतलब बोलती हूँ, ये कहता है कि जो ज़मीन होती है वो टिल्ट होती है, टिल्ट का मतलब होता है हज, ठीक है, पूरी नहीं होती है, वो हल्की सी सुशासन हज पहमर। ठीक, तो अब ये क्या होता है, ये थोड़ी सी टेढ़ी होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको पता होगा कि जो अर्थ है इसके दो पोल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। ठीक है, अब क्या होता है कि जो सन होता है, यानी कि जो सूरज होता है, वो एक मतलब उससे रेज निकलती है, वो एक टाइम पे पड़ती है नॉर्दर्न हेमिसफेयर को, नॉर्दर्न हेमिसफेयर मतलब नॉर्दर्न पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल पे, तो जिस टाइम पे वो रेज नॉर्थ पोल पे पड़ती है, उस टाइम पे समर यानी कि गर्मी का मौसम होता है, कहाँ पे, नॉर्दर्न पोल पे। और फिर जब अर्थ जो है वो थोड़ी टिल्ट हो जाती है, तो उस टाइम पे सन की रेज कहाँ पड़ती है, वो साउथ पोल पे पड़ती है, यानी कि अपोजिट पोल पे। ठीक, तो उस टाइम पे, अब जिस टाइम पे जो ये सन की रेज है ये साउथ पोल पे पड़ गई, उस टाइम पे समर कहाँ होगा, गर्मी कहाँ होगी, साउथ पोल पे। यानी कि अब जब सन की रेज पड़ी साउथ पोल पे, दिमाग की बात है कि नॉर्थ पोल पे तो रेज अब रहेंगी नहीं, वो कहाँ हो गई, शिफ्ट साउथ पोल पे। यानी कि इस टाइम पे नॉर्थ पोल पे क्या होगा, विंटर होगा, और साउथ पोल पे क्या होगा, समर। फिर से क्या होगा कि अर्थ फिर से टिल्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर से जो सन की रेज है वो नॉर्थ पोल पे पड़ेगी, मतलब वापस आएगा समर कहाँ, नॉर्थ पोल में, और विंटर कहाँ आएगा, साउथ पोल में। इस तरीके से होता रहता है, और डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स जो है वो बनते रहते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सवाल है वो है, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स, मतलब अगर आप चढ़ रहे हो पहाड़ पे, क्लाइंबिंग हो गया खासुन, ठीक है, पहाड़ पे चढ़ना, अगर आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है फॉर, अब इसका जवाब बोलूँगी। ठीक है, फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स वी नीड अ थिक रोप, स्लिंग, स्टिक, एक्सेट्रा। Beside these things, food packets, water bottles, hook, plastic sheets, diary, torch, towel, soap, wind cheater, whistle, glucose, जैगरी, चना, स्नैक्स एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि जब आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो उस टाइम पर हमें क्या क्या चाहिए, थिक रोप,
यानी कि मजबूत सी एक रस्सी जिसकी मदद से आप पहाड़ के ऊपर चढ़ोगे। कुल्हाड़ी भी होनी चाहिए साथ में, एक स्टिक भी होनी चाहिए। स्टिक ये नहीं, ये लकड़ी की स्टिक, वो अलग से एक स्टिक आती है, ठीक है, वो स्टील की स्टिक होती है, उससे हम आसानी से पहाड़ पे चढ़ पाते हैं, ठीक है। और कुछ खाने वाने की चीज़ें जैसे लाइक जैसे कि स्नैक्स, स्नैक्स हो गया, चाय चाय वाय, रोटी वोटी, चोट वोट, ठीक है, और विसल होनी चाहिए, टॉर्च होनी चाहिए, और टॉवल भी एक होनी चाहिए, और साबुन होनी चाहिए, और प्लास्टिक का छोटा सा एक शीट होना चाहिए, और ग्लूकोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्लूकोज जो है ये हमें हिम्मत देता है ऊपर चढ़ने की, ठीक है। तो फिलहाल आज चार सवाल है, आप इतना ही कर लो आज पहले, ठीक है। खुदा हाफिज़।